वेलकम बैक गाइस, यू आर वाचिंग करियर विद जेब रहमान ऑन नई उम्मीद टीवी। बात कर रहे हैं आज ईमेल करेस्पोंडेंस की। अब तक हमने आपको बताया कि ईमेल करेस्पोंडेंस में सबसे पहली चीज है आपका ईमेल ब्राउजर, कि आखिर आप किस डोमेन पर अपना ईमेल एड्रेस बना रहे हैं। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि ईमेल बनाने के दौरान आपको किन किन चीजों को मलूजे खातिर रखना होता है। अब चलते हैं आगे, ईमेल करेस्पोंडेंस की बात करते हैं। डायरेक्टली टाइम वेस्ट करने के बिना हम आपको बताने वाले हैं कि ईमेल के डूज एंड डोंट्स क्या हैं जनाब। वैसे कहने को तो ये एक पैगाम है, एक छोटा सा पैगाम जो आप किसी को भी आसानी से इंटरनेट के थ्रू सेंड कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, फाइल अटैच कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहां आपको ये बताते चले कि इसके भी कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं। जिस तरह हर चीज के बारे में कोई फायदा कोई नुकसान पैरेलल चलता है, इसी तरह से ईमेल के भी डूज एंड डोंट्स हैं जिनका ख्याल रखते हुए आपने काम करना होता है। सबसे पहली चीज तो ये कि डोंट ट्रीट योर ईमेल एज अ कॉन्वर्सेशन। हमने देखा कि बहुत सारे लोग ईमेल को भी कॉन्वर्सेशन की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक लाइन लिखकर दी गई कि जी ये वेंचर या ये प्रोजेक्ट जिस पर काम करना है इसके बारे में फॉलोअप कीजिए, और आप उसी के नीचे उसको फॉरवर्ड मैसेज की तरह एक और चीज लिखकर भेजते हैं कि जी ये फॉलोअप इस तरह से। उसके बाद फिर वहां से आता है कि फलां चीज कंफर्म नहीं है, आप उसी का जवाब देते हैं फॉरवर्ड। So, ये फॉरवर्ड एक चेन चलती चली जाती है जो कि इसको डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन बना देती है। सो ईमेल को कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ना बनाएं, बल्कि ईमेल का एक पूरा तरीका सही एक अलग तरीका होता है इसको स्टार्ट करने का, इसको एंड करने का, उसका खास ख्याल रखते हुए काम कीजिए। दूसरी चीज जो आपको बताएंगे, यूज एन अपफ्रंट टोन। अपफ्रंट टोन का मतलब जिस तरह की ईमेल आप लिखना चाह रही हैं या जो ईमेल आप लिखना चाहते हैं, उस ईमेल का खास तौर पर आपको एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि इसके पीछे आपकी वजह क्या है, एंड ऑब्वियसली आप किस तरह की लैंग्वेज यहां इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे प्रोफेशनल होना जरूरी है, इसे एडवांस होना जरूरी है, एंड ऑब्वियसली इसे लेजिटिमेट होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसमें कॉमन वर्डिंग लाइक इनफॉर्मल वर्डिंग यूज करते हैं, सो आई एम सॉरी, आप इसके डोंट्स में चले जाते हैं। लिहाजा ईमेल राइट करते हुए इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि आप एक फ्रंट अपफ्रंट टोन जो कि रियल टोन होती है, ऑब्जेक्टिव टोन होती है, उसका इस्तेमाल करें और इसे प्रोफेशनल रहने दें। उसके बाद अगली चीज आपको बताते चलें जनाब, दैट डोंट पुट anything as an argument or don't start the hand grenades on email. Email के hand grenades तकरीबन हमारी पहले वाली don't से ही मिलते जुलते हैं, जिसमें हमने कहा था कि इसे conversation ना बनाया जाए। कुछ लोग emails के अंदर एक दूसरे से arguments करना शुरू हो जाते हैं और अचानक forward reply करके ये इस चीज को एक लंबी chain बना लेते हैं जहां arguments बढ़ना शुरू हो जाते हैं और finally ये email कम और argument ज्यादा नजर आती है। लिहाजा इन चीजों से भी कीजिए परहेज। और उसके बाद अगली स्ट्रेटजी आती है डूज की। जनाब डूज में सबसे पहले तो आपको अपने ऑब्जेक्ट को माइंड में रखना बहुत जरूरी है। What is the reason that you are writing this email? क्या वजह है क्यों लिख रहे हैं और इसका मकसद क्या है? पहले तो अपनी ईमेल के अंदर सबसे पहली आपको यही चीज देखनी है कि आप जो ईमेल लिख रहे हैं उस ईमेल के लिखते हुए आप इस चीज का खास ख्याल रखें कि आप जिसे मुखातिब कर रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन या टाइटल क्या है, आदर सर और मैडम और डियर और एनी थिंग। डियर का इस्तेमाल ज्यादातर इनफॉर्मल ईमेल्स में किया जाता है, जैसे कि अगर ये ईमेल आपको अपने फ्रेंड को करनी है या फिर इसका कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक नहीं है तब आप इसे डेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने फ्रेंड को ही आप कॉर्पोरेट रिलेटिव काम से ईमेल करते हैं तो यहां आपको रिस्पेक्टेड लिखना ज्यादा बेहतर लगेगा, या फिर आप डायरेक्टली उस इंसान का नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी फ्रेंड सारा को कोई ईमेल करनी है तो मैं डायरेक्टली उससे अगर प्रोफेशनल वे में ईमेल करती हूं तो मैं लिखती हूं सारा। सारा लिखने के बाद कॉमा लगाकर उसके बाद डाउन लाइन से मैं दोबारा अपनी बॉटम लाइन से अपनी बात शुरू कर देती हूं। सबसे पहले ईमेल लिखते हुए आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ईमेल के दौरान या लिखने के दौरान आप कोई भी इनफॉर्मल वर्ड या एटीट्यूड इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी ईमेल की लेजिटिमेसी कम हो जाए या फिर ये अपना वकार खो दे। लिहाजा इसे प्रोफेशनली इस्तेमाल किया जाए, वरना दूसरी कॉन्वर्सेशंस के लिए हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स मैसेंजर मौजूद हैं, लेकिन ईमेल को ईमेल ही रखा जाए क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम प्रोफेशनल काउंट करते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि यू हैव टू अवॉइड रेसिज्म, obviously racism and sarcasm. जब आप ईमेल लिखते हुए किसी भी तरह की सरकेस्टिक लाइन लिखते हैं तो ये ईमेल को उसकी लेजिटिमेसी को उसकी ऑथेंटिफिकेशन को हर चीज को पूरी तरह से तबाह कर देती है, क्योंकि आप वहां सरकेस्टिक हो जाते हैं। सरकेस्टिक यानी इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी कि आपने ईमेल की ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया। ये एक मैसेज बन गया, ये कॉन्वर्सेशन बन गई, और हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि ईमेल कॉन्वर्सेशन नहीं है।
लिहाजा अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि आप सरकैज़म से दूर रहेंगे और क्लियर बात करेंगे, वाज़े बात करेंगे। साथ ही अगर आप इसमें कोई अटैचमेंट इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अगर आप इसमें कोई अटैचमेंट भी लगा रहे हैं, आपने अपनी ईमेल में पीछे इन्फॉर्म किया दैट डियर फ्रेंड आई एम एक्चुअली सेंडिंग यू अ प्रोफाइल दैट हैज़ टू बी टेकन केयर एंड यू हैव टू शेयर इट अदर विद द पीपल, तो अब वहां आपने प्रोफाइल को अटैच भी करना होता है। लेकिन अगर आप वहां पर कोई चीज़ अटैच कर रहे हैं तो एट द इनिशिएटेड लाइन जो हमारी होती है वहां शुरू में ही आप नाम लिखने के फौरन बाद PFA, जिसका मतलब है प्लीज फाइंड अटैच्ड लिख सकते हैं। ये बात ऊपर वाजे करने का मतलब ये होता है कि इस ईमेल में सिर्फ और सिर्फ ये रिटन ईमेल ही मौजूद नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट भी है जो कि अटैचमेंट की सूरत में मौजूद है, इसीलिए ये बात याद करवाई जाती है प्लीज फाइंड अटैच्ड, यानी यहाँ पर एक फाइल अटैच्ड मौजूद है, उसे देख लेना ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली इसके कुछ नॉर्म्स वैल्यूज हैं, एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है, जिस तरह हमने PFA की बात की, ये एक जार्गन भी कह सकते हैं, एब्रीविएशन भी कह सकते हैं, कि जो करेस्पॉन्डेंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और अक्सर जगहों पे हमने देखा कि इस्तेमाल होती ही है। उसके बाद आप सबसे आखिर में लिखते हैं रिगार्ड्स। जनाब अब रिगार्ड्स में भी हमने देखा कि लोग बड़ी कोई टेक्निकल एस्पेक्ट, कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, दे स्टार्ट लाइक बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, हार्ट रिगार्ड्स, इस तरह की चीजें आप इस चीज को फॉर्मल से इनफॉर्मल बना देते हैं। सो अगर आपने एट द एंड ऑफ द डे इसे ग्रीट करना है, किसी भी इंसान को रिगार्ड्स करना है, तो आप सिंपली वहां जाकर रिगार्ड्स कॉमा और नीचे अपना नाम या डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, दैट इज क्वाइट क्लियर। इसके अलावा आपको इसके साथ कोई एडजेक्टिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, रिगार्ड्स को रिगार्ड्स रहने दीजिए। और अगर आपको ये नहीं पता कि इनिशिएट कैसे करना है और अगर आपने बंदे का नाम नहीं लिखा है जनाब, तो आप वहां पर सिंपली ग्रीटिंग्स भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप उस पर कि मॉर्निंग, इवनिंग या गुड आफ्टरनून इस तरह की बातें लिखते हैं या हेलो लिखते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा कि ईमेल पे हेलो लिखते हैं, जनाब ऐसा करने से बेहतर है कि आप उस हेलो की जगह पे ग्रीटिंग्स लिख दीजिए, क्योंकि हम आपको बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि ईमेल एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ना कि पर्सनल प्लेटफॉर्म। इसका लेजिटिमेट रहना, इसका प्रोफेशनल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवांस वोकैबुलरी इस्तेमाल कीजिए, अच्छी प्रोफेशनल वोकैबुलरी इस्तेमाल कीजिए जो कि फॉर्मल हो। सबसे पहली बात, इसका फॉर्मल होना बहुत जरूरी है। जो इंसान फॉर्मल लगाएगा, यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेगा, वो ऑटोमेटिकली इसको प्रोफेशनल बना देता है, क्योंकि बात ही मेल की हो रही है और जब ईमेल को डिफाइन करना है और इतनी सारी चीजें बतानी है, सो आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपकी ईमेल लेजिटिमेट हो। अगर ऐसा नहीं होता तो इट मीन्स देर आर समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट। ये सारी चीजें आपको ईमेल करेस्पॉन्डेंस में बहुत अहमियत देंगी और ये आपको सिखाएंगी कि आपको अपने लोगों के साथ किस तरह बातचीत करनी है। खासतौर पर हमने देखा कि ईमेल जगह जगह इस्तेमाल होती है जनाब, जिसमें सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है या जो जगह जिस जहां आप अपनी वर्क प्लेस पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर कंपनी, दैट इज बिटवीन कंपनी एंड एम्प्लॉयज, दैट इज बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मोस्ट ऑफ द टाइम अबव, समटाइम्स यू हैव टू शेयर योर मेडिकल रिपोर्ट्स विद योर डॉक्टर एज वेल, सो यू कैन डू इट ऑन ईमेल। सो कोशिश कीजिए इसे प्रोफेशनल रखने की कोशिश करें और आपको बताएंगे ईमेल के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन। लेकिन कहीं जाइएगा मत, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।